हेलो एवरीवन, आज मैं आप लोगों के लिए लेकर आई हूँ एक से बढ़कर एक यूजफुल टिप्स की वीडियो, जो आप सभी लोगों के लिए आज की वीडियो बहुत ही यूजफुल होने वाली है। आप लोगों ने इस तरह से मिक्सी में चाय की पत्ती ऐड करके देखा है, बहुत ही कमाल की टिप्स है फ्रेंड। यह टिप्स देखकर आप लोग चौंक जाएंगे। ऐसे ही एक से बढ़कर एक यूजफुल टिप्स की वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल पर इन तक बने रहिएगा। आज की टिप्स की वीडियो आप लोग को पसंद आती है तो वीडियो को लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिएगा। तो चलिए आज हम पहले की टिप्स वीडियो शुरू करते हैं। पहले टिप्स की मेरी वीडियो है फ्रेंड, इस तरह से पानी को लेकर, अगर आप लोग के गले में दर्द हो रहा है, खराश है, कुछ भी है, तो आज यह पानी का टिप्स आप लोगों के लिए बहुत ही यूजफुल होने वाला है। तो यहाँ पे आप लोग को क्या करना है, एक कप या एक गिलास इस तरह से पानी ले लेना है। उसके बाद यहाँ पे लेना है आपको एक नाइफ। नाइफ लेने के बाद इस तरह से पानी में हमें कैंची की तरह इस तरह से एक सीधा, एक इस तरह से सीधा आप लोग को काट देना है। तो इसे हमें काटना है कम से कम 7 बार। तो इस तरह से हम ऐसे काटेंगे, इस तरह से तो एक होगा, फिर इस तरह से हम कट करेंगे, इस तरह से कट करेंगे तो 2 होगा। इसी तरह से हमें इसे 7 बार कट कर लेना है। नाइफ से 7 बार पानी को कट करने के बाद अब घूंट घूंट करके धीरे धीरे आपको पी जाना है। तो इस टिप्स को आप लोग को फॉलो करना है 2 से 3 दिन। अगर आपके गले में किसी भी प्रकार का दर्द है, पानी पीने में दर्द होता है, खाना खाने में दर्द होता है, तो यह बहुत ही कमाल की टिप्स है फ्रेंड। इस तरह से आप लोग को पानी लेकर नाइफ से 7 बार कट करके इसे पी लेना है। 2 से 3 दिन अगर लगातार इस तरह से करते हैं तो अगर गले में ऐसे ही कोई प्रॉब्लम होगी तो बिल्कुल ठीक हो जाएगी। तो इस टिप्स को आप लोग जरूर फॉलो करना, बहुत ही कमाल की टिप्स है। तो चलिए ऐसे ही चलते हैं नेक्स्ट टिप्स की तरफ। टिप्स की मेरी वीडियो है फ्रेंड, इस तरह से नमक को लेकर, बारिश का मौसम हो या ठंडी का मौसम है तो हमारे नमक में नमी आ जाती है। तो नमी को दूर करने के लिए फ्रेंड यहाँ पे आप लोग को इस तरह से कंटेनर में सबसे पहले नमक रखना है। नमक रखने के बाद इसमें हमारे नमक में नमी ना आए, हमारा नमक बिल्कुल एकदम फ्रेश बना रहे। तो आज इसके लिए मैं बहुत ही यूजफुल टिप्स लेकर आई हूँ, जिससे आप लोग बारिश के मौसम में हो या सर्दी के मौसम में आपका बिल्कुल एकदम नमक ये फ्रेश रहेगा। तो लेना है इस तरह से न्यूज़पेपर, न्यूज़पेपर को हमें 3 से 4 बार इस तरह से फोल्ड कर लेना है। अब फोल्ड करने के बाद हमें नमक में इस तरह से इसे डाल देना है। इससे क्या होगा फ्रेंड, इसमें जो नमी आ जाती है, सारी नमी हमारा इस तरह से ये न्यूज़पेपर एब्जॉर्ब कर लेगा, बिल्कुल इसमें नमी नहीं आने देगा। तो अब बहुत ही कमाल की टिप्स है फ्रेंड। इस टिप्स और ट्रिक से आप लोग नमक में आए हुए मॉइस्चर को दूर कर सकते हैं, बिल्कुल इसमें नमी नहीं रहेगी। उसके बाद इस तरह से आप लोग का टाइट कंटेनर का ढक्कन लगा देना है। तो इस टिप्स और ट्रिक से आप लोग नमक को लॉन्ग समय तक बिल्कुल एकदम फ्रेश रख सकते हैं। बहुत ही कमाल की टिप्स है, टिप्स को जरूर फॉलो करना। और वीडियो पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक शेयर कमेंट जरूर करना। तो चलिए ऐसे ही चलते हैं नेक्स्ट टिप्स की तरह। नेक्स्ट टिप्स की मेरी वीडियो है फ्रेंड, इस तरह से घर के बाथरूम के वास दोष को दूर करने के लिए फ्रेंड। तो यहाँ पे आप लोग को क्या करना है, अगर आपके घर में या बाथरूम में किसी भी प्रकार की घर में निगेटिविटी ऊर्जा है तो उसे दूर करने के लिए आज मैं बहुत ही कमाल की टिप्स लेकर आई हूँ, जिसे आप लोग इस आसान टिप से अपने घर की निगेटिविटी ऊर्जा को दूर कर सकते हैं। निगेटिविटी ऊर्जा बिल्कुल दूर होकर के आपके घर में पॉजिटिव ऊर्जा आ जाएगी। ऐसे आप लोग को क्या करना है, यहाँ पे लेना है 2 इस तरह से कांच का कटोरियां हमें लेना है। तो जितने बाथरूम हैं आपके उतनी कटोरियां यहाँ पे आपको ले लेना है। तो यहाँ पे मैंने 2 कटोरी इस तरह से लिया है। तो यहाँ पे ध्यान देने की यह बात है कि आपको यहाँ पे कांच की ही कटोरी लेना है और कोई भी कटोरी नहीं लेना है। अब इस तरह से कांच की कटोरी लेने के बाद हमें क्या करना है, इसमें ऐड करना है फिटकरी। तो इस तरह से हमें कांच की कटोरी में फिटकरी को ऐड कर देना है। फिटकरी हमारे घर की और बाथरूम की निगेटिविटी ऊर्जा को दूर करने में बहुत ही कारगर है। अब अगली चीज़ इसके साथ हमें ऐड करना है खड़ा नमक। तो यहाँ पे आप लोग को पिसा हुआ नमक नहीं लेना है, बिल्कुल इस तरह से खड़ा वाला नमक लेना है। नमक को भी इस तरह से हमें फिटकरी के साथ ऐड कर देना है। नमक भी हमारे घर की निगेटिविटी ऊर्जा को दूर करता है। अगर घर में रोजाना पोछा लगाया जाए नमक डाल के तो हमारी घर की निगेटिव ऊर्जा को दूर करके घर में पॉजिटिव ऊर्जा लाता है। तो यहाँ पे मैंने 2 कटोरियाँ में नमक भी ऐड कर दिया है फिटकरी के साथ। उसकी कटोरी में नमक, फिटकरी को बाथरूम में
किस दिन रखना है, किस तरह रखना है, कितने दिन तक रखना है, तो इसके बारे में चलिए हम आप लोग को बताते हैं। तो यहाँ पे इस तरह से कटोरी में ऐड करने के बाद इस टिप्स को आप लोग को फॉलो करना है। शुक्रवार को तो हफ्ते 10 दिन के बाद एक शुक्रवार को आपको रखना है, तीसरे शुक्रवार को इसी वाले सीट में आपको इसे डाल देना है, फ्लैश कर देना है। तो यहाँ पे आप लोग को 2 शुक्रवार ऐसे ही बाथरूम में रख देना है, और बाथरूम में रखने के बाद तीसरे शुक्रवार को इसे फ्लैश कर देना है। फ्लैश करने के बाद फिर नया इस तरह से आप लोग को रख देना है। 2 शुक्रवार छोड़ के तीसरे शुक्रवार को आपको क्या करना है, इस कटोरी को लेना है और उसके बाद इस तरह से इसमें डाल के आप लोग को फ्लैश कर देना है। बहुत ही कमाल की टिप्स है, आपके घर में कितनी भी निगेटिव ऊर्जा होगी बिल्कुल वहाँ निगेटिव ऊर्जा दूर हो जाएगी। अगर लंबे समय से कोई घर में बीमार पड़ रहे हैं तो वो सारी निगेटिव ऊर्जा दूर करके यहाँ नमक और फिटकरी आपके घर में पॉजिटिव ऊर्जा लाएगा। तो अब बहुत ही कमाल की टिप्स है फ्रेंड, इस टिप्स को आप लोग जरूर फॉलो करना। तो चलिए ऐसे ही चलते हैं नेक्स्ट टिप्स की तरफ। लास्ट नेक्स्ट इसकी मेरी वीडियो है फ्रेंड, इस तरह से मिक्सी लेकर क्या कभी आप लोगों ने इस तरह से चाय पत्ती को मिक्सी में डाल के देखा है, बहुत ही कमाल की टिप्स है। टिप्स देखकर आप लोग चौंक जाएंगे, तो क्या कमाल करेगा ये चाय पत्ती। चलिए हम वीडियो देख लेते हैं। यहाँ पे हमें लेना है एक मिक्सिंग जार, और जार में हमें ऐड करना है इस तरह से चाय की पत्ती। इस तरह से हमें यहाँ पे लेना है मेडिसिन के खाली डायपर, इस तरह से हमें लेना है और इसके छोटे छोटे पीस हमें इस तरह से कट कर लेना है। तो फ्रेंड अगर आप लोग इस तरह से मेडिसिन के खाली पत्ते को फेंक देते हैं तो इस तरह से आज इस वीडियो को देखने के बाद बिल्कुल भी नहीं फेंकना है, बहुत ही कमाल की टिप्स है। तो चलिए हम इसके छोटे छोटे पीस कर लेते हैं सबसे पहले। अब इस तरह से हमें मेडिसिन के पत्ते को छोटे छोटे पीस में करके हमें चाय के पत्ती के साथ जार में ऐड कर देना है। साथ हम ऐड करेंगे बेकिंग सोडा। बेकिंग सोडा क्लीनर का बहुत ही बढ़िया वर्क करता है। आधा छोटा चम्मच बेकिंग सोडा को ऐड कर देंगे। यहाँ पे तीनों चीज को ऐड करने के बाद हम इस तरह से इसका ढक्कन लगा लेंगे। यहाँ पे हम इस तरह से जार में ढक्कन लगा करके इसे 1 से 2 सेकंड के लिए इस तरह से इसे हम मिक्सी को ग्राइंड कर लेंगे सभी चीज को डाल करके। फ्रेंड यहाँ पे मैंने जार को इस तरह से 1 से 2 सेकंड के लिए सभी चीज को डाल के इसे ग्राइंड कर लिया है। इससे क्या होगा फ्रेंड, इसमें जो ब्लेड होती हैं पीसते पीसते इसमें की धार चली जाती है, तो इसकी धार वापस लाने के लिए और इसे अच्छे से क्लीन करने के लिए इस टिप्स को आप लोग फॉलो कर सकते हैं। टिप्स और ट्रिक्स से फ्रेंड इस तरह से मिक्सी के ब्लेड को तेज कर सकते हैं और बिल्कुल इसमें जो अजीब सी महक आती है वो भी दूर हो जाएगी। चलिए इसमें की सारी चीज को निकाल करके हम इसे अच्छे से जार को क्लीन कर लेते हैं। ये देखिए फ्रेंड यहाँ पे मैंने जार को इस तरह से क्लीन कर लिया है, बहुत ही अच्छी तरह से हमारा जार ये क्लीन भी हो गया है और इसकी ब्लेड भी बहुत ही तेज हो गई है। बहुत ही कमाल की टिप्स है फ्रेंड, इस टिप्स को जरूर फॉलो करना। तो आई होप फ्रेंड आज की एक से बढ़कर एक टिप्स की वीडियो आप लोग को पसंद आई होगी। तो वीडियो को लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिएगा। तो ऐसे ही टिप्स के साथ फिर मिलते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।